हेलो माय डियर, लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज एक छोटा सा जीएस का टॉपिक, टॉपिक नेम इज ट्राई। इसको ट्राई कहते हैं, TRAI, ट्राई। फुल फॉर्म इसका है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो भारत की एक है दूर संचार, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दूर संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना, ट्राई की स्थापना 1997 में, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, इसको याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? दूर संचार सेवाओं से संबंधित नियम और निर्देश बनाना, उनको विनियमित करना। ये हमारा मोबाइल, टेलीफोन, इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होती हैं, यही बनाता है ट्राई ही। ट्राई की बदौलत है कंपनी आज 28 दिन को महीना कहती है। अगर ट्राई अभी कह दे कि 30 दिन कर दिया जाए तो किसी में माने उसमें नहीं है, किसी भी जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे वो जियो हो, वोडाफोन हो या एयरटेल हो, 28 दिन के बजाय तो अपना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब ट्राई से ही रेगुलेटेड होती है सारे दूर संचार मोबाइल सर्विस जितनी भी होती हैं, सबको ट्राई ही क्या करता है, रेगुलेट करता है। उद्देश्य मैंने बता दिया कि दूर संचार से संबंधित सारे नियम कानून यही बनाता है, रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। इसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर इसको, इसमें एक अध्यक्ष होता है, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य, कुल 5 लोग अध्यक्ष को लेकर के कुल 5 लोग ट्राई में होते हैं, एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य, और सबकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसको जानते रहिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस समय चेयरमैन जो है इसके, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर PD बघेल इसके अध्यक्ष है ट्राई के। और तो ये है इसके बारे में, तो इसका क्या होता है, और भी अगर आप इसमें थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो देखो, भारतीय इसकी स्थापना 1997 में बताया मैं, संसद के नियम द्वारा की गई थी, और इसकी जिम्मेदारियां होती हैं कि लाइसेंस के नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना, जो भी लाइसेंस ये होते हैं दूरसंचार कंपनियों को, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटर कनेक्शन सुनिश्चित करना, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना, सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। अभी अभी इसने चीनी इकाई से जुड़े समूह द्वारा संचालित 120 हेडर को ब्लॉक कर दिया है। तो देखिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है हमारे, जैसे हम लोग कंज्यूमर होते हैं, किसी भी उपभोक्ता होते हैं, तो अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम आती है, या किसी भी प्रकार के कंज्यूमर या किसी भी प्रकार के उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, दूर संचार या मोबाइल में जो भी कॉल आते हैं, नहीं आते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो ये सारी शिकायत हम लोग ट्राई से कर सकते हैं। ट्राई ही भारत की वो सर्वोच्च संस्था है जो पूरा इसको गवर्न करती है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप याद रखिएगा। आपके सिंपल क्लासेस में इसी तरह से आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी, और ऐसे ही टॉपिक आपको समय समय पर जीएस और जीके और सीए के मिलते रहेंगे। थैंक यू।